हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए अभी के लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको इस वक्त में क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हुइए। जो भी आपके पूर्वज हैं आप उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे आपकी इंट्यूशन ही बेसिकली आपको गाइड करने वाली है कि वो मैसेज आपके लिए कहाँ आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इस अगर आप थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ। प्लीज एंसेस्टर्स, प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइसेस मीन राशि वालों को? प्लीज गाइड कीजिए अपने बच्चों को। पाइसेस मीन राशि, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ट्स, ओके, क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स पाइसेस को? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील, चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, मून, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फूल, नाइन ऑफ कप्स, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। माई डियर पाइसेस मीन राशि, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं
जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो ये है कि हो सकता है आपने अभी रीसेंट पास्ट में, या हो सकता है 6 महीने, साल, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जो भी रिश्तों को लेकर के खासकर डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ कि कुछ रिश्तों के फेसेस आपके सामने आए हैं, ठीक है। आपको पिछले कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में कुछ लोगों के, खासकर वो लोग जो है ना, वो आपके बहुत क्लोज्ड वंस हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के ट्रू फेसेस आपको दिखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी एनर्जीज, ये जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है ना, उससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, उससे आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, या फिर अपने आप को ये कहना कि शायद मेरे में ही कुछ कमी थी जिस वजह से कि मेरे साथ ये हुआ है, या मैंने ही कुछ किया था। आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई थी, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी आपने केओस देखा है, जो भी डिस्टर्बेंस आपने अपने जीवन में देखी है, खास करके ये रिश्तों को लेकर के हुए है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनके करियर को लेकर के या फिर अदर एस्पेक्ट्स में भी वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी रीसेंट पास्ट या फिर मैं पिछले कुछ समय में अगर बोलूं तो, या फिर मैं आपको ये बोलूंगी कि ये जो साल आया है, ठीक है, ये जो साल 2024 आया है, इसमें आपने बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को आपने रिलीज़ करा है जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं, या फिर मैं कहूंगी कि जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जो आपके लिए सच्चे नहीं थे, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है। तो आपके इंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उस उन चीज़ों से ना सैड नहीं होना है। एक्चुअल में ये चीज़ें सारी डिस्टाइंड थी, ये आपकी जिसे कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ही लिखी हुई थी, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ही लिखी हुई थी, आपके रास्ते में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, ताकि आप अपनी पावर को जान पाएँ, ताकि आप अपने आप को जान पाएँ। कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है ना, ये जो भी लोग थे या फिर ये जो भी सिचुएशन थी, इन सभी सिचुएशन ने आपको एक दायरे में बांध रखा हुआ था, आपको लिमिट कर रखा हुआ था। आपके पास जो पावर है ना, आप जो कर सकते हो, या फिर मतलब जो भी आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, आप जिस तरफ आगे बढ़ सकते हो, इन चीज़ों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो उनके ट्रू फेसेस दिखाना, ऐसे मूवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आना, आपको ट्रिगर करना, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएँ, ताकि आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएँ, ताकि आप अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी हायर सेल्फ को जान पाएँ, अपने आप से कनेक्ट हो पाएँ कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किस में टैप इन करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास चॉइसेस थे, ये चॉइसेस खास करके ये मुझे कोई गिफ्ट नज़र आ रहा है, आपके केस में ये कोई गिफ्ट है, ठीक है। गिफ्ट किस तरीके से, कि कोई टैलेंट है आपके अंदर, कुछ आपके अंदर ना, जिसे कहते हैं कोई गुण है आपके अंदर, जो आप लेकर के आए हो, जो आप पहले से ही लेकर के आए हो, अब वक्त है उस तरफ चलने का। इस समय आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, आपकी टेक केयर कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, फीमेल हैं, बट यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। ये किसी के मदर फादर हो सकते हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, तो वो आपको बहुत प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं बहुत, जिसे ये कहते हैं ना कि ये बहुत ही लविंग एनर्जीज है, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज है। ये किसी भी तरीके से एंगर नहीं, मतलब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, किसी तरह का गुस्सा उनमें नज़र नहीं आ रहा है। मतलब वो बहुत आपकी टेक केयर कर रहे हैं, आपका बहुत रख रखाव कर रहे हैं, आपको बहुत ऐसी, मतलब आपको ना बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ना अब इस ऊर्जा से बाहर निकलना है, आपको आने वाली खुशियों के बारे में सोचना है, क्योंकि अब जो है आपका वक्त बदल रहा है। तो अब आपको इस एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है, पास्ट की एनर्जी से अब आपको बाहर निकलना है, क्योंकि अब जो वक्त आ रहा है ना आपके लिए, वो बिल्कुल अलग वक्त है आपके लिए,
ठीक है। तो आपको आगे आने वाले जो समय में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, उस तरफ देखने के लिए आपको बोला जा रहा है, उस तरफ आपको काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है आपके आपके आसपास, मतलब ये आपके माइंड में हो सकता है या आपके इमोशंस में हो सकता है, कुछ आपका दिल आपको कह रहा है कि किसी चीज़ पर आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ तो बहुत ही स्ट्रांगली आपके अंदर चल रहा है। आप जैसे कि किसी टाइम की वेट कर रहे हो, आप किसी डिवाइन टाइम की वेट कर रहे हो, आप किसी वक्त की वेट कर रहे हो यहाँ पर कि तब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा या इस पर काम करूंगा या करूंगी। तो आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है, अब आपको उस पर काम करना है, अब आपको उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी काम है, मे बी आप में से कुछ मुझे ऐसे एनर्जीज भी मिल रही हैं कि कुछ लेडीज़ हो सकती हैं जो हाउसवाइव्स हैं, ठीक है, और आप अब अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, ऑनलाइन काम आप हो सकता है स्टार्ट कर रहे हो, जिस वजह से, क्योंकि ये वो एनर्जीज़ है कि चाहे आप घर से काम कर रहे हो, आप दूर दराज, आप बहुत लोगों में यहाँ पर फेमस होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर भी ग्लोब है, यहाँ पर भी मुझे वाइब्स आ रही हैं दूर दराज की, ठीक है। तो जैसे बहुत लोगों के बीच में, बहुत लोगों के सामने आप आने वाले हो, अपना टैलेंट आप बेसिकली दिखाने वाले हो, जो भी आइडिया आपके अंदर चल रहा है, जो भी गिफ्ट्स है आप उसको प्रेजेंट करोगे। और ये जो भी चीज़ है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ना पहले से ही कंटिन्यू होती आ रही है, मतलब ये गुण आपके पास पहले से ही हैं, ये गुण पहले से ही आपके पास, मतलब या तो आपके घर में हो सकता है, आपकी दादी नानी करते हो, या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स करते हो, मतलब कुछ गिफ्ट को जैसे आप फॉलो कर रहे हो, उसको आगे बढ़ा करके लेकर के जा रहे हो, वो एनर्जीज में आपकी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ये सिर्फ मैं रीडिंग सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही नहीं कर रही हूँ, ये एनर्जी सभी के लिए है। आप अपने अपने अकॉर्डिंगली उस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब लिटरली ये वो एनर्जीज है कि आप कोई अपने बैकग्राउंड, मतलब मुझे नहीं पता ये क्या है, कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को जानते हो कि हाँ आपके दादी नानी करते थे, या दादा मतलब नाना फॉलो करते थे, या उनसे पहले जो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मे बी उनसे आपको ये गिफ्ट मिला है जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आपकी फैमिली में जो अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सभी डॉक्टर्स हैं लाइक, ठीक है, या फिर सभी इंजीनियर्स हैं, और पहले जो कभी आपके ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, मतलब वो या तो एस्ट्रोलॉजी में थे, ठीक है, या फिर वो मतलब इन मोडालिटीज़ में थे, हीलर्स थे, तो अब जैसे कि वो गुण ना आपके अंदर से जागृत हो रहा है, वो उस चीज़ को लेकर के आप जाग रहे हो, वो गिफ्ट जो है पास आउट हुआ है आपके पास, एक्चुअल में वो गिफ्ट आप लेकर के आए हो, और अब ये वो वक्त है, अब ये वो डिवाइन टाइम है जिसे आपको ओपन करना है, जिसको लेकर के अब आपको आगे बढ़ना है, समझ रहे हो आप। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है जो पीछे से चली आ रही है, जो पीछे से, ये आपके नियर वंस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर हो सकता है आप नहीं जानते लेकिन आपको बाद में पता चले कि हमारी हिस्ट्री में रहा है, मेरे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इस फील्ड में थे, वो इस मोडालिटी में थे। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ को आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, ऐसी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो कि आपको उस जगह इंटरेस्ट आया, ठीक है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जैसे आपका पूरा, आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, या टीचर्स हैं, या फिर वो इंजीनियर्स हैं, मैं सब भरे हुए वहाँ पे, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं अलग जगह गया। क्यों गया आपका इंटरेस्ट अलग कहीं और जगह, या फिर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में गया, या फिर आपका इंटरेस्ट टैरोट में गया, या फिर आपका इंटरेस्ट जो हीलिंग साइड में गया, लेकिन क्यों गया, क्योंकि वो आपके पीछे से वो चीज़ आ रही है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं मेरे घर में बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है, मतलब सबका चॉइस अलग है और मेरा चॉइस सबसे अलग है, क्यों ऐसा है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको पीछे से गिफ्टेड है, ठीक है, और आपको इसको लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है,
आपको इसको लेकर के आगे ग्रो करना है, इसलिए वो गिफ्ट आपको आगे पास आउट किया गया है, इसलिए उस चीज़ के लिए आपको चुना गया है, और इसलिए आप यूनिक हो, इसलिए आप अपनी फैमिली में से अलग हो, ठीक है, इसलिए आप कुछ अलग करना चाह रहे हो। ऐसी हिस्ट्री आपकी हो सकती है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, आपको लग रहा है मेरी फैमिली में किसी ने नहीं करा है, समझ रहे हो, मेरी फैमिली में ये किसी ने नहीं करा है, लेकिन आपको नहीं पता वो बहुत पीछे से चलता आ रहा है, वो अभी के टाइम में वो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। आपकी कुछ पीढ़ियाँ हो सकती हैं, 3-4 पीढ़ियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 5 पीढ़ीज जो है डिस्कनेक्टेड रही हैं आपकी। तो अब आप जैसे कि आगे आए हो, 6th आगे आप आए हो, तो आपको वो ऑफर किया जा रहा है, 5 पीढ़ियों से ये काम नहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो आपको उस चीज़ के लिए चुना गया है, और इस चीज़ में आपको बहुत सक्सेस, बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन टाइम अब आ गया है, वो चक्र घूम रहा है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, इन केस कि आपकी जॉब गई है, कहीं आपको लॉस हुआ है, कहीं किसी ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, या फिर किसी तरह से एकदम से कोई लॉस हो गया, आपका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चला गया, या कुछ भी ऐसा कुछ अजीब सा अगर आपके साथ हुआ है पीछे, तो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ओके, उनकी प्रेजेंस है भी यहाँ पर, उनकी प्रेजेंस है। मैं बोल रही हूँ ना, मेल फीमेल दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, लेकिन फीमेल की एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, अगर आपको इसकी हिस्ट्री मिल सकती है तो प्लीज़ अपने घर वालों से हिस्ट्री लेने की कोशिश भी करो, अगर कोई है और वो दे सकते हैं तो आप बहुत लकी हो अगर आपको पता चल जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी, तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब उस तरफ अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, अब उस तरफ आपको आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, अब इससे बड़ा कोई डिवाइन टाइमिंग है नहीं, समझ रहे हो आप, क्योंकि आप जिस समय ये रीडिंग देख रहे हो, अभी जिस समय मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पितरों का ही टाइम है, लेकिन इन केस अगर आप इसके बाद भी अगर आप देख रहे हो, इट मींस ये आपके लिए राइट टाइम है, ओके, तभी ये वीडियो आपके सामने आया है। तो अब आपको उस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, फॉलो योर गट फीलिंग्स, फॉलो योर इमोशंस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी अगर कोई आपको आपके फैमिली में से या आपके आसपास के लोग अगर आपको इस साइड में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको 10 बातें भी सुना रहे हैं ना, बिलीव मी, आगे क्योंकि मैं बहुत सफलता आपके लिए देख रही हूँ, जब आप इस तरफ चलोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको आप कितने लव्ड रहोगे उनके लिए, कितना आपको रिस्पेक्ट मिलेगी उनकी तरफ से, और उनकी तरफ से नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मुझे आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, इवन दूर दूर तक, मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जीज आपके लिए मिल रही है, ये कोई छोटी सी एनर्जीज नहीं है। तो यहाँ पर ना आपको जो काम करना है विद द फूल, मैजिशियन, 9 of Cups इन चैरियट, ये काम वो नहीं है जो पका पकाया आपको मिल रहा है कि मेरी फैमिली में सब करते आ रहे हैं, ये बिजनेस चलता आ रहा है और मुझे इसको आगे बढ़ाना है। नो, मैं कह रही हूँ ना, आपकी 5 या 6 पीढ़ियाँ आपकी रही हैं ऐसी, स्पेसिफिकली मुझे 5 नज़र आ रही हैं, और ऐसी पीढ़ियाँ रही हैं जिन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, आप आए हैं, समझ रहे हो आप, तो आपको पका पकाया वाली चीज़ में आगे नहीं चलना है, ये आपको कुछ नया अपने आप से बिल्ड करना है, और जिसके लिए कि आपको अपने परिवार का, जिसे कहते हैं कि वो क्रॉस भी आपको करना पड़ेगा, कि उनका आपको नेगेटिव पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, कि वो आपको सपोर्टिव ना रहे, आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपको अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना है, आपको शुरू से शुरू करना है, समझ रहे हो आप, आपको नए सिरे से चीज़ें यहाँ पर शुरू करनी है। यहाँ पर कोई बिजनेस आपके फादर या ग्रैंडफादर अगर आप करते थे, ठीक है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो, ये एक रिवल की यस ये वो एनर्जीज है, आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे अंदर तो कुछ और है, ठीक है, मैं इसको नहीं कर सकता या मैं इसको नहीं फॉलो कर सकती, मेरे अंदर कुछ अलग ही चल रहा है समझ रहे हैं आप, एक मैजिशियन हो, और ये यूं ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको कुदरत का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ये आपके अंदर से जो गिफ्ट्स उत्पन्न होंगे, क्योंकि आपके पास वो है, अवेलेबल है, बस आपको उसको जगाना है, आपको उस पर काम करना है, आपको उसको लेकर के आगे बढ़ना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और इसके साथ ही साथ अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद लीजिए,
उनकी हेल्प मांगिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आई मीन अपने पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का, और अपने जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उनका आशीर्वाद और उनकी मदद लीजिए। उनको परमिशन दीजिए कि वो आए आपकी ज़िंदगी में, आपकी मदद करें, आपको रास्ता दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर उनका सपोर्ट भी लगेगा। आप उनके सपोर्ट के साथ ही आप आगे ग्रो कर पाओगे, समझ रहे हो आप? उनके सपोर्ट और उनके आशीर्वाद के साथ ही आप आगे ग्रो कर पाओगे। और इस वक्त में अगर जो भी आपके अंदर आइडियाज़ चल रहे हैं ना माय डियर, वो यूं ही नहीं आ रहे हैं, और जिस पर भी आप काम करना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्लो हो, या फिर मे बी आप अभी कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हो। आप बहुत सोच विचार तो बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत कुछ सोचा जा रहा है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर यही बता रहे हैं, आप इसलिए भी ये रीडिंग देख रहे हो कि आगे बढ़ो, क्योंकि सक्सेस तो आपको उसी में मिलेगी, ठीक है, विक्ट्री आपको उसी में मिलेगी, आपकी विशेष सारी फुलफिल वहीं होंगे, सेटिस्फेक्शन आपको वहीं मिलेगा, प्यार आपको वहीं मिलेगा, शांति आपको वहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्टाइंड हो भाई आप इस चीज़ के लिए। जब तक आप इस बात पर आ नहीं जाओगे ना, आपको बार बार घेरा जाएगा, आपको बार बार ऐसे लोग आपके जीवन में लाए जाएंगे जो आपको दुख दें, जब तक आप सही ट्रैक पर नहीं आ जाते हो। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं, ओके? तो आगे बढ़ने से या फिर एक अननोन जर्नी पर चलने से घबराओ मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट आपको एक्सपीरियंस करना है, अभी जस्ट आपको सर्च करना है, अभी सिर्फ आपको देखना है, ट्रायल्स पे जाना है आपको, कि ट्राई करना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही हो सकती हैं इस समय, तो जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। मेरे गुरु जो हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि करने से होगा, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, करोगे तो होगा ना। तो जो भी ट्रायल आपको करने हैं वो कीजिए, ठीक है? कुछ नया एक्सपीरियंस आप करना चाहते हो, कुछ नया आप सीखना चाहते हो, कुछ नया आप क्रिएट करना चाहते हो, तो करना होगा आपको। बैठे बैठे मैनिफेस्ट नहीं होगी चीज़, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, तो उसको करो, उस जगह टैप इन करो, आगे बढ़ो, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ना, बिल्कुल भी मुझे ये आपके लिए एनर्जीज मिल रही है इस वक्त में, अगर आपका प्रैक्टिकल माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर पाइसेस। प्रैक्टिकल माइंड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, लॉजिकल माइंड का यहाँ पर कोई काम नहीं है इस समय। सिर्फ सीधे सीधे आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने इमोशंस को, अपने सेंसेस को फॉलो करना है, कि आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आप किस तरफ खींचे चले जा रहे हो, आपको क्या अंदर से अर्जिंग हो रही है, किस तरफ आपको खींच पड़ रही है, कुछ अलग करना है, ठीक है? तो सर्च करो, देखो, समय बर्बाद नहीं करना है इस समय आपको, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं। लेट्स सी और क्या है आपके पास। अरे कुछ ओके ये लेकिन अभी जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ना, ये मैसेज बहुत रेयर लोगों के लिए, आई मीन ज़्यादा परसेंटेज नहीं, 2-3% लोगों के लिए होगा ये, सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए दो अपॉर्चुनिटी, आई मीन दो चीज़ें हैं, कि आप लाइफ में दो चीज़ें करोगे, एक तो जो आप कर रहे हो वो बहुत फ्लरिश हो ही रहा है एक काम, ठीक है? दूसरा जो है वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी खुद की सुख, आपकी खुद की इनर पीस के लिए, समझ रहे हो आप? मे बी आप किसी एनजीओ से जुड़ना चाहो या किसी तरीके से लोगों की मदद करना चाहो, तो साइड बाय साइड एक मुझे वो एनर्जीज भी दिख रही है, लेकिन ये बहुत रेयर है, 2-3% लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है? कि दो चीज़ें बहुत रेयर है ये, ओके? सभी के लिए ये मैसेज नहीं है। थैंक यू मेरे प्यारे सिस्टर्स। गिविंग एंड रिसीविंग, डेफिनेटली गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, अवेटिंग रिजल्ट्स, 7 of Wands, ओके, एंड मास्टर, यस, लिसन, ओ माय गॉड, योर इंट्यूशन, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, लिसन। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है आप उसको वियर कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? जब भी आप मेडिटेशन करें, या तो आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल जो है उसको वियर कीजिए, या फिर आप उसको अपने पास, उस स्टोन को आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है? देखो इस समय ना डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पास चॉइसेस इन द सेंस आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो इस समय
आपको आपका माइंड, मैंने बोला ना लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड आपको गुमराह करेगा। तो इस बात पर आप तभी चल सकते हो जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जब आप अपने हार्ट को फॉलो करो, जब आप अपने दिल को फॉलो करोगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि वो तो आपको लिमिट कर देगा, वो तो कहेगा नहीं भाई मेरे घर में कोई नहीं है, या फिर हमारा तो यही है, ठीक है हम यही चुन सकते हैं या इसी में ही जा सकते हैं, तो वो तो आपको लिमिट करेगा। आपको उन बैरियर्स को ब्रेक करना है, आपको उन चीज़ों को तोड़ना है। मे बी आपके घर में, मे बी आपके फादर फिगर कोई हो सकते हैं, या फिर कोई है स्ट्रिक्ट, यहाँ पर बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, या तो ये खुद ही मैस्कुलिन है, ठीक है, या फिर ये कोई भी मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जीज में, ठीक है, जिनकी वजह से कि आप इतना बड़ा रिस्क, या फिर मैं कहूँगी ये कदम आप नहीं उठा पा रहे हो। समझ रहे हो आप, मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है, पर वो स्ट्रेंथ, वो पावर तो आपको अपनी लानी पड़ेगी अपने अंदर से। समझ रहे हो, क्योंकि स्टेबिलिटी, सक्सेस, पीस आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका जिसे कहते हैं पर्पस है, आप यही ये करने के लिए आए हो यहाँ पर, इसके बिना आपको वो अंदर से पीस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप, इसके बिना डेफिनेटली यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओ माय गॉड, देखो जैसे कि आप ऑलरेडी ना बहुत चीज़ें आप झेल रहे हो, बहुत चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो पाइसेस, ओके, बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो यहाँ पर, बहुत कुछ मतलब लोगों के आप आपके ऊपर जैसे कि ब्लेमिंग हो रही है, आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है, आपको दोष दिया जा रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो ऑनलाइन, समझ रहे हो। तो लेकिन आप स्टैंड ले रहे हो ना, आप खड़े भी हो रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, पर नेगेटिविटी आती है बार बार आपके पास। इस समय जितना हो सके अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। इस समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिलीव मी यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स को पुकारिए। सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, डायरेक्टली अपने मतलब के लिए नहीं चले जाओ एंसेस्टर्स के पास कि मेरा ये काम कर दो, मेरी मदद कर दो, ये बहुत सेल्फिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप उनसे बात करते हैं ना, तो सबसे पहले शुरुआत ही आपको यहाँ से करनी चाहिए कि अगर आपने उनको कभी भी किसी भी तरह से आपको आपने उनको हर्ट करा है, आपने उनको दुखी करा है, उसके लिए वो आप उनसे क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है। देन आप उनसे बात कीजिए जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने पेरेंट्स को अगर हर्ट कर दिया, तो आप उनको कैसे मनाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे? पहले सॉरी बोलेंगे ना, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता होता हमने कितने जाने अनजाने में गलतियां करी होती हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉरी से शुरू करना चाहिए। देन आप अपने दिल की बात रखिए कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर ये मेरे लिए सही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए मेरे लिए क्या ये सही है, मुझे कुछ साइंस दीजिए, मुझे बताइए, मैसेज दीजिए, ओके। उनसे वन टू वन बात करो, और ये वक्त तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, बट मैं मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एंसेस्टर्स के साथ आपको कनेक्ट होने में ये बहुत इस समय थिन लेयर्स हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे या बहुत जल्दी मैसेजेस आप रिसीव कर लोगे, अदरवाइज मैं कहती हूँ हर वक्त एक जैसा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही पवित्र टाइम चल रहा है, अगर इस समय अगर आप उनसे कनेक्शन बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आगे से मिलेगा देखने को, ठीक है, रिजल्ट्स। एंड गिविंग एंड रिसीविंग डेफिनेटली यहाँ पर ना थोड़ा ये एनर्जीज मुझे, आई रियली डोंट नो मुझे ये एनर्जीज कहाँ ले गई है, कि इस समय ना आपको सिर्फ सेल्फ, मैंने क्या बोला अभी जस्ट आपके बारे में, मैंने आपको क्या बोला कि सेल्फिश नहीं होना है आपको, राइट। अगर आप उनसे डायरेक्टली बोलते हो कि मेरा ये काम करना है आपको, या फिर मेरी मदद करो आप, तो आप सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना, आपको एक रिस्पेक्ट उनको देना है ना, आपको एक माता पिता की तरह आप उनको बात करना, बच्चे हो, राइट। तो ऑलवेज गिविंग और रिसीविंग में आपको यहाँ पर विश्वास करना है। देने के बारे में भी सोचिए कि आपको ना यहाँ पे ये जो भी काम है, इसमें सिर्फ ये मतलब मत ढूंढो कि मुझे सिर्फ मिलेगा ही क्या, मुझे प्राप्ति ही क्या होगी। आप अवेलेबल हो किसी को देने के लिए, आप किसी की मदद करने के लिए रेडी हो, मे बी आपके इस काम से किसी की हेल्प हो जाए, मे बी कुछ लोग इंस्पायर हों, समझ रहे हो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तो हमेशा उस चीज़ का बैलेंस बना के रखना है, हमेशा सेल्फिश नहीं रहना है कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा या फिर मुझे कितना फ़ायदा होगा, ऑलवेज इसी चीज़ के बारे में नहीं आपको सोचते रहना है, ठीक है। प्रॉपर रिस्पेक्ट आपको देनी है इस काम को,
इस पाथ को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस बना करके रखना है, सिर्फ यही नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिलेगा, ये भी सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, इससे कितने लोगों की मदद होगी, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन यस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। माय गॉड, सी मैंने बोला ना, हार्ट चक्रा एंड सी आपके लिए क्या आया है यहाँ पर, शेयर द लव। यस, ओके, यू आर लव, यू आर लाइट, ओके। तो एक रिसीविंग रिसीविंग मोड में तो हम सभी रहते हैं, बट मुझे आपके केस में यहाँ पर लग रहा है कि आपको गिविंग मोड में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग है ना, तो गिविंग मोड में भी रहो आप कि आप क्या कर सकते हो, या फिर इस काम से किसी की क्या मदद हो सकती है, या कोई कैसे इंस्पायर हो सकता है। तो मुझे मतलब यही नहीं सोचना है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, इसमें किसी का भी कोई फ़ायदा हो सकता है, तो मुझे करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सी, ओके, दो कार्ड्स आ गए। Oh my God, the Ice Age, ये कार्ड है आपके लिए, the Ice Age, the seeds of new beginnings are germinating। देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, वो सीड तो डाल दिया गया है, वो एक बीज, वो आइडिया तो आपके पास आ गया हुआ है, बस आपको उस पर काम करना है, आपको उस पर एक्शन लेना है, आपको उसको लेकर के आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। Oh my God, crystal skulls, a mystery is waiting to unfold, yes, कुछ यहाँ पर, oh my God, guys, जो मैंने आपको अभी तक जो guidance दिया है आपके ancestors के साथ काम करने के लिए ना, please उस काम को करो, believe me, आपके पास बहुत सारी information आ रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और वो वेटिंग पर है कि कब आप उनके साथ काम करें और वो आपको भेजें। आपको एकदम से कुछ ऐसा लग सकता है, डेजा वू टाइप एक्सपीरियंसेस आपको भी हो सकते हैं कुछ कुछ प्लेसेस पर, या फिर कुछ ऐसा लग सकता है कि अच्छा ये मैंने किया हुआ है, मतलब कुछ जैसे कि ओल्ड मेमोरीज आपकी ताज़ा हो गई, हो सकता है वो इस लाइफ टाइम की नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि ये कभी मैंने किया था, समझ रहे हो, मतलब आपकी जो एंशिएंट विजडम है ना, जो आपके अंदर का ज्ञान है, जो आपने पिछले जन्मों में आपने ले रखा है, वो ओपन होगा, ओके। तो ये टाइम बहुत रिक्वायर्ड है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करें, अपने खाने पीने का खास करके आप ध्यान रखें, इस समय बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना है, पैकेजिंग फूड को तो अवॉइड ही कर दो, ठीक है, इस समय जितना हो सके लाइट आपको फूड लेने की ज़रूरत है, हेल्दी रूटीन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पर। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मेडिटेशन करो और अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करिए, और रात के लिए ना, आपके लिए सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट ये नोट है, अपने पास डायरी और पेन लेकर के सोना है आपने, अपने पास रख करके, और जब भी आपको कोई ड्रीम, विविड ड्रीम्स, कुछ अजीब अजीब से ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, आपको नहीं पता वो क्या है, कौन से फेसेस हैं, क्या है, बट उनको लिखो, उनको लिखो, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके तरफ आ रही है, पास आउट हो रही है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा मैसेज है जिसको आपको लाइटली लेने की ज़रूरत है, पाइसेस, बहुत ही केयरफुली इस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो यहाँ पर इसको इग्नोर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, या फिर इसको लाइटली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट और हैवी, आई मीन हैवी इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू को समझो, इसकी वैल्यू को समझो, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते गाइस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यस माई डियर पाइसिस, मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है आपसे ये वीडियो, ये रीडिंग कितनी कनेक्ट हुई है, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप उनकी एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।